Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ मीठू और मेरे दुनिया में आप सब लोग वेलकम है. कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और मेरी तरफ से मेरी YouTube फैमिली के लिए बहुत सारा प्यार है. और आप लोग मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए. उम्मीद करती हूँ सबको अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. तो आज है संडे मॉर्निंग. संडे मॉर्निंग में मैं आज पोहा के साथ आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ. सुबह सुबह उठ के मैंने एक कप चाय पिया था, अभी और चाय नहीं पीऊँगी. तो अभी मैं पोहा लेती हूँ, इसके बाद मैं सोचूंगी लंच में क्या बनाऊंगी आज, क्योंकि आज फिश भी नहीं है और चिकन भी नहीं है. संडे का तो नॉन वेज बनता है, तो इसकी वजह से मैं एक है घर पे. तो एक से कुछ बनाने के लिए सोच रही हूँ. तो एक से क्या बनाऊँ, एक कड़ी और राइस, ये तो इतना स्पेशल कुछ हुआ नहीं. तो इसके वजह से आज मैं स्पेशल में बनाऊँगी एक दम बिरयानी. तो सब खुश हो जाएगा. नॉट एक के अंदर ही थोड़ा सा स्पेशल कुछ आ गया तो सब बहुत खुश हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊंगी. सब खा के जब अच्छा बोलेगा तो मुझे भी तो अच्छा लगता है ना. इसलिए आज मैं लंच में एक बिरयानी बनाऊंगी. और आप लोग देखते रहिए मुझे, मैं क्या करती हूँ और कैसे एक बिरयानी बनाती हूँ. आप लोगों को तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा. और मैं थोड़ा सा जल्दी से पोहा ले लेती हूँ. इतना काम खा रही हूँ फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसा हो रही हूँ, पता नहीं क्यों, घर में बैठ बैठ के और कुछ नहीं. थोड़ा सा वॉक कर लेती मैं, हो जा, बिल्कुल वॉक नहीं हो रहा है मेरा. इसके वजह से मेरा हालत दिन दिन बिगड़ रहा है. मैं थोड़ा सा ऐसे हो रही हूँ, वेट बहुत बढ़ रहा है मेरा, टेंशन में आ गई हूँ मैं अभी. निखिल बोलती है खाना कम खाने से कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए. मैं घर में करती हूँ एक्सरसाइज, कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी होता है, लेकिन मैंने वॉक से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे. तो वजह से मैं सोच रही हूँ क्या कैसे वॉक करूँ सुबह उठ के. बहुत दिन तक मेरा वो जो आदत है छूट गया, जिसकी वजह से अभी आदत डालना पड़ेगा. नहीं तो मैं ऐसा ही होता, अभी थोड़ा सा हुआ इसके बाद ऐसा हो जाऊँगी. जितना भी कम खाऊँ कुछ फ़ायदा नहीं है. तो चलिए मैं पोहा को कंप्लीट करती हूँ, इसके बाद मैं लंच में मिलती हूँ. फिलहाल मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, नहीं तो बाकी कब लेट हो जाएगा. ओके, तो मैं अभी आ गई लंच बनाने के लिए, वो भी एकदम बिरयानी. आप लोगों को तो मैंने पहले बताया था मैं आज एकदम बिरयानी बना रही हूँ. और कैसे मैं बनाती हूँ आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगी. पहले मैंने मुझे एक बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो आप लोग देख लो क्या क्या चाहिए. और इस टाइम में मैं लाइट जला के आती हूँ. आज पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, मैं लाइट जला के आती हूँ और आप लोगों को लाइट जला के दिखाती हूँ. ठीक है, एक बिरयानी बनाने के लिए मैंने 3 एग लिया और इसके बाद मैंने अनियन को ऐसे करके चॉप करके काट लिया इसको बेरिस्ता बनाने के लिए. और एक में देने के लिए इसमें पूरा मैंने 2 पोटैटो लिया बड़ा बड़ा करके काट के, टमाटर लिया 1, फिर और इसमें मैंने झिंजर लिया, गार्लिक लिया, चिली लिया और गरम मसाला लिया. वो सब मैं एक बनाने के लिए, ये है बिरयानी मसाला, ये है केसर का वो है मैं मिल्क में भिगो के रखा, और ये है केवड़ा वाटर, ये है रोज़ वाटर और बाकी है घी. मैंने घी दिखा देती हूँ आप लोगों को बाद में, देने के टाइम दिखा दूँगी.
मैंने बिरयानी के लिए राइस बिठा दिया और इसमें मैंने ऑयल डाला, फिर पूरा मसाला जो था मैंने लौंग, दालचीनी, स्टार, बड़ा इलायच वो सब डाला, ऑयल डाला, सब डाल के मैंने इसको राइस को बिठा दिया। अभी बिरयानी का राइस होने दीजिए, इसको इस टाइम में मैं बेरिस्ता बना लेती हूँ। पहले आप लोग देखो मैं कैसे बेरिस्ता बनाती हूँ। बेरिस्ता बनाने के लिए मैं सब अनियन को फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन करके बेरिस्ते में बना लेती हूँ। देखिए मेरा बेरिस्ता बन के रेडी हो गया। अभी मैं एक करी बनाने के लिए अनियन को फ्राई करूँगी, थोड़ा सा अनियन, गार्लिक, जिंजर, टोमेटो सब एक साथ फ्राई करके फिर मैं मिक्सचर मशीन में ग्राइंडिंग करूँगी। अभी मैं जिंजर गार्लिक दे रही हूँ, इसको थोड़ा सा भून लूँगी। टमाटो भी मैंने दे रही हूँ, अभी अच्छी तरह से थोड़ा सा भूनूँगी मैं इसको, थोड़ा सा ऐड करूँगी। देखिए कैसा कलर हो गया, थोड़ा थोड़ा रेड रेड हो गया, टमाटो भी थोड़ा सा नरम हो गया। अभी मैं मिक्सचर मशीन में ग्राइंडिंग कर लूँगी सब एक साथ। अभी पोटैटो और एग को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इससे इसके लिए पहले मैंने हल्दी डाला थोड़ा सा कलर होने के लिए, पोटैटो को दे दिया। अभी मैं देखिए पोटैटो थोड़ा सा कलर हो गया, अभी मैं ऑयल एग को दे रही हूँ। एग को भी मैं थोड़ा सा पोटैटो के साथ फ्राई कर लूँगी रेड रेड करके, इसके बाद मैं उठा दूँगी। तेल पर अभी मैं जीरा फोरन दे रही हूँ। इसके बाद मैंने मिक्सचर मशीन में जो ग्राइंडिंग करके रखा वो अभी दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा मैं भून लूँगी इसको, इतना अच्छी तरह से भूनूँगी जो साइड से तेल छोड़ दे। सॉल्ट दे दिया मैंने, अभी मैं जीरा पाउडर दे रही हूँ, थोड़ा सा एक साथ मिक्स करके थोड़ा सा भून लूँगी। कलर कितना चेंज हो गया। ऐसा बिरयानी मसाला दे रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस मैं दे रही हूँ। टेस्ट अलग टाइप का बनाने के लिए मैंने सोया सॉस डाला। अभी सब एक साथ करके मिक्स मैंने भूनूंगी जितना टाइम तक तेल नहीं छोड़ेगा। अभी सब मैं डाल रही हूँ, पोटैटो और एग डाल दिया। अभी मेरा पूरा भून के हो गया, अभी मैंने 2 कप पानी दे रही हूँ। थोड़ा सा पोटैटो को बॉयल होना है, इसके वजह से मैंने सिर्फ 2 कप पानी दिया। मैंने गरम मसाला सब एक साथ ही डाल दिया था उसका। अभी मैं ढक दे रही हूँ इसको, थोड़ा सा बॉयल होने दिया। एक तो बॉयल हो गया लेकिन थोड़ा सा पोटैटो को बॉयल करना है, इसके वजह से मैंने इसको ढक दिया। थोड़ा सा बॉयल होने दीजिए इसको। मेरा एग करी बन के रेडी हो गया। आप लोगों को मैंने दिखाया, एग करी में मैंने सोया सॉस डाला और थोड़ा सा मसाला को मैंने अनियन को, टमाटो सब को फ्राई करके फिर मैंने इसको ग्राइंडिंग किया। और जो गरम मसाला है ना, मैं ग्राइंडिंग एक साथ उन लोगों के इसके साथ ही अनियन टमाटो सबके साथ मैं ग्राइंडिंग करके दिया, अलग करके नहीं दिया। और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर वो सब दिया और सोया सॉस मैंने अलग टाइप का करके बनाया। दही के बदले मैंने सोया सॉस से बनाया। आप लोग सोया सॉस से बना के एग करी बना के फिर आप लोग बिरयानी बना के खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। मेरा गैस बंद कर दिया, मेरा एग करी बन के रेडी हो गया। ऐसा हुआ मेरा एग करी। अभी मैं चावल के साथ मिलाती हूँ इसको, अभी मैं इसको बनाती हूँ। पोटैटो को मैं नीचे दे देती हूँ, लास्ट में मैं एग को दूंगी। इसके बाद बेरिस्ता मैं डाल रही हूँ।
सब लेयर में सब कुछ देना पड़ेगा। बिरयानी मसाला मैं दे रही हूँ, पहले मैं एक कड़ी में भी बिरयानी मसाला दिया था, और थोड़ा सा केसर का मिल के साथ मैंने जो भिगो के रखा था वो भी दिया। मैंने थोड़ा सा केवड़ा का रोज केवड़ा का वाटर जो रखा वो भी मैंने डाला, नीचे रहेगा तो स्मेल अच्छा आएगा। और मैं अभी थोड़ा सा रोज़ वाटर भी नीचे दे दिया। फिर से मैं राइस को दे देती हूँ। राइस को बिरयानी का राइस है ना बहुत ही वो होना चाहिए, झरझरा होना चाहिए, एक राइस के साथ दूसरा राइस नहीं लगना चाहिए। अभी फिर से मैं और एक लेयर दे रही हूँ। आप लोग जब एक का ग्रेवी बनाएंगे ना तब थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देना, चिकन मटन जो भी बनाएंगे बिरयानी मसाला थोड़ा सा चिकन के साथ, नहीं तो एक के साथ जब एक बिरयानी बनेंगे सब के साथ थोड़ा सा मिला देना पहले। अभी बेरिस्ता में दे रही हूँ, और बेरिस्ता तो बिरयानी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, घी में लास्ट में डालूँगी। फिर से मैं बिरयानी मसाला दे रही हूँ। केवड़ा वाटर में दे दिया, स्मेल के लिए थोड़ा थोड़ा मैं दे दिया। अभी मैं रोज़ वाटर और नहीं दूंगी, रोज़ वाटर लास्ट में दूंगी, और केसर को जो मैं भिगो के रखा था मिल्क के साथ मैंने वो दे दिया, लास्ट में बाकी मैं डाल दूंगी। अभी और एक लेयर में बना देती हूँ। थ्री लेयर में भी बनाऊंगी। अभी लास्ट में मैं एक को दे दूंगी। हम लोग थ्री है इसके वजह से थ्री जन के लिए हम लोग ने मैंने थ्री एग दिया। बाकी जो मैंने बेरिस्ता बना के रखा वो सब मैं दे दूंगी ऊपर। अभी सब दे दिया मैंने, ऊपर मैं बिरयानी मसाला भी दे दूंगी। इसके बाद ये जो मैंने मिल्क में भिगो के रखा था वो अभी मैं पूरा डाल दूंगी, पूरा मैंने डाल दिया। अभी केवड़ा का वाटर भी मैं दे रही हूँ। और अभी मैं घी दे रही हूँ लास्ट में। घी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से देना, कोई कोई ज़्यादा ज़्यादा घी देती है, मैं इतना ज़्यादा नहीं देती हूँ। डाल दिया, अभी मैं तावा पे बिठाऊंगी, दम में बिठाती हूँ अभी मैं। देखिए मैंने तावा को गरम कर लिया, इसके बाद मैंने इसको दम में बिठा दिया बिरयानी को, और ऊपर से मैंने जो रोटी बनाती हूँ इससे मैंने प्रेशर में रखा, इसके ऊपर प्रेशर देने के लिए रखा। और कोई कोई साइड से आटा का वो बना के दे देती है, जैसे आप लोग भी ऐसे ही बना के देखिए हो जाता है। और मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम में बिठाया, इसके बाद मैं निकालती हूँ। देखा आप लोगों ने मैंने कैसे एक बिरयानी बनाया, आप लोग भी ऐसे बनाइए और खाइए मेरे जैसा। मैं अपना स्टाइल से एक बिरयानी बनाया, आप लोग बनाइए मेरे जैसे स्टाइल में।
एक्चुअली अगर स्पेशल कुछ करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, ऐसे जैसे हर रोज खाना बनाती हूँ तुरंत बन जाती है, लेकिन स्पेशल जब कुछ बनाने के लिए आती हूँ तब टाइम बहुत लगता है। तो चलिए मैं अभी जाके सबको बुला के लंच करती हूँ, ठीक है? आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे बना मेरी बिरयानी, मैं प्लेट में लेके दिखाती हूँ। 42 चाहिए तो तुमको? हाँ, 42 बिरयानी में 42 नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ 42 चाहिए, तुम्हारे लिए लाओ। हाँ लेके आ तुमको, मैंने 42 दे दिया तुमको। आज मैंने सलाद कुछ नहीं बनाया, आज ऐसे ले लिया। कोई बात नहीं, चलो चलो बैठो बैठो। अरे खाइए आप, खाइए पहले आपके लिए तो बनाया, आप पहले खाइए फिर बताइए। मैं तो खा लूंगी। अच्छा, मैंने जो बनाया मुझे ना, तुम पहले थोड़ा सा खा। नहीं मैं ऐसे सब लोग बोल रहे, मैं बहुत मोटी हूँ, एक एक ही काफी चाहिए तो तुम मेरा एक ले लो। नहीं, मुझे एक नहीं चाहिए। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। नहीं नहीं आप खाइए जी, और चाहिए तो आप मेरा एक लीजिए। परमिशन मिला तो मैं खा लेता हूँ। एक बिरयानी को मैं थोड़ा सा नजदीक से दिखा देती हूँ, कलर कैसा हुआ मैं दिखाती हूँ। कैसा कलर हुआ? मैं एक बिरयानी को थोड़ा सा, तुम मत लेके आओ, मैं दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा ही बन गया। एक्सीलेंट जैसा खुशबू। अरे निखिल जब एक्सीलेंट बोलता है तो मैं तो फिदा हो जाती हूँ। ना जैसे खुशबू ऐसे ही होना। जब निखिल कुछ खाके बोलती है आहा कितना अच्छा होना, एक्सीलेंट बोलते तो मैं फिदा हो जाता, मैं और सोचने लगती हूँ और क्या बनाऊँ इसका मन रखने के लिए। नहीं तुम्हारा मन रखने के लिए बोलो, क्या बोलू? कोई बात नहीं, ऐसे तो खाना कैसा भी हो, मन तो मैंने दे ही दिया तुमको। अच्छा बनाओ, खाना अच्छा होते तो मन और भी थोड़ा बिगड़ जाता है। वो बिगड़ते में तो थोड़ा पानी हो गया, पिघल जाता है, पिघल जाता है, बिगड़ जाता है, जो भी जाता है जाता पिघल जाती है, जो भी है। वो हिंदी तो मेरा इतना, मेरा भी इतना अच्छा नहीं है। अभी खा लेते हो हम लोग लंच, इसके बाद जब लंच करने के बाद बिरयानी का थोड़ा सा हम लोगों के पास रिपोर्ट जाएगा, पूरा डिसेक्शन होगा बिरयानी क्या हुआ, बिरयानी कैसे बनाया, रिपोर्ट जाएगा आप लोगों के पास। आप लोग तो खा नहीं पाओगे, मेरे पतिदेव आप लोगों को बताएगा कैसा होगा। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल रिपोर्ट अभी दे देता हूं, इट इज एक्सीलेंट, इन वन वर्ड इट इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट कब बोलते हैं आप लोगों को पता है? अच्छा होते हैं ऐसे तो बोलते, एक्सीलेंट जब तक होता है तब इसके ऊपर कुछ होता ही नहीं है। एक्सीलेंट के ऊपर कुछ होता नहीं है, ऐसा होता है एक्सीलेंट के ऊपर कुछ नहीं होता। मींस मोर देन 90% इज करेक्ट। नहीं नहीं 100%। एक्सीलेंट जब होता है तो 100% होना चाहिए। तो चलो अभी हम लोग आराम से लंच कर लेते हो, खाना खाने के बाद आप लोगों के साथ बात करती हूँ बैठ के आराम से। चलो अभी शाम हो गया, पूरा अंधेरा हो गया बाहर मेरा, मैंने पूजा कर लिया। शाम का जो दिया जलाना होता है वो भी तो एक काम होता है, मैं दिया जला के आया लंच करने के बाद। आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ बात करो आप लोगों के साथ, मैंने बोला था बात करूंगी दोपहर को, हुआ नहीं। मैं अभी देखो शाम हो गया, अभी आया चाय बनाने के लिए। अभी पूछती हूँ जाके चाय या कॉफ़ी क्या लेगा, मैं पूछती हूँ पहले, सब रेडी करके पूछूँगी, उसका मर्जी है। थोड़ा सा मैं का प्लेट सब धो लूँ। आती हूँ क्या पिएगा, इसके बाद मैं ठीक चाय का पानी बिठाऊंगी, कॉफी के लिए कितना चाहिए, चाय के लिए वो भी मेजरमेंट होना चाहिए। निखिल चाय या कॉफी पियोगे? तुम इधर आओ। क्यों? इधर आओ ना फिर बताता हूँ। अरे तुम बता दो ना, मैं बना दूंगी ना। आप लोगों को मैं लेके जाती हूँ, वो क्यों मुझे बुला रही है मुझे थोड़ा सा दिखाना है। चलिए चाय पियोगे कॉफी क्या क्या पियोगे बोलो? चाय कॉफी। चाय कॉफी चाय कॉफी
चाय कॉफी कॉफी। क्या बच्चों जैसा कर रहे हो, क्या बच्चों जैसा कर रहे हो, चाय कॉफी चाय कॉफी, ये क्या है? डिसीजन लेने का एक तरीका है। देखा आप लोगों ने, मैंने बोला ना मैं उसको जाके पूछती हूँ चाय या कॉफी पिएगा, क्योंकि बहुत दिन से कॉफी नहीं पी रहा है, दोपहर को थोड़ा सा मेरे कान में दिया था कि आज थोड़ा सा कॉफी पी जाए। गर्मी ज्यादा है ना अभी, ये गर्मी में कॉफी पी के देखो कितना मजा। ठीक है, मैं मुझे इतना बात करने का टाइम नहीं है, मैं जाके कॉफी पी के लेके आती हूँ। चलिए आप लोग भी मेरे साथ, मैं कॉफी बनाती हूँ। कॉफी बना रही हूँ अभी, ज़्यादा कड़क कॉफी नहीं बनाऊंगी, हल्का करके कॉफी बनाऊंगी और क्योंकि गर्मी बहुत है। लेकिन निखिल को आज कॉफ़ी पीने को मन कर रहा है तो इसकी वजह से मैं बना रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, गर्मी में भी कॉफ़ी पियेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा हल्का करके पीऊँगी तब भी तो चलेगा। आज ऐसे भी मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है क्योंकि लंच करने के बाद और तुरंत थोड़ी देर भी बैठने को नहीं मिला। मेरा ट्यूशन में म्यूजिक क्लास था, मैं चली गई थी। निखिल तो कॉफ़ी भी शुगर के बिना ही लेगा, मैं तो शुगर के बिना रह नहीं पाऊंगी। वो कॉफ़ी भी शुगर नहीं लेते, कॉफ़ी में भी वो शुगर नहीं लेते, पता नहीं कैसे शुगर के बिना लेते, उसको शुगर इतना पसंद नहीं है, वो हमेशा शुगर के बिना विदाउट शुगर हमेशा रहती है। मुझे शुगर के बिना लेना चाहिए था लेकिन हमारा घर में उल्टा हो गया, वो सब कुछ चाय भी शुगर के बिना, कॉफ़ी भी शुगर के बिना और मैं हूँ जितना हो सके शुगर के साथ। तो चलिए मैं कॉफ़ी लेके जाती हूँ। लीजिए कॉफ़ी। चलो कॉफ़ी, मैं बिस्किट लेके आती हूँ। हाँ लेके आओ लेके आओ। मिठू ने बोला था आज बिरयानी के बारे में कुछ रिपोर्ट दो, लेकिन क्या हुआ ना, खाना खा के जैसे आया मेरे पास कुछ फोन आया, फोन करते करते मिठू का सिंगिंग क्लासेस चालू हो गया, तो मैं इधर फोन करने के बाद सो गया। मैं बैठ के क्या करूँ, उसका तो क्लासेस चालू थी। आज क्या ना टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को और मैं क्लास में चली गई तो क्या ना सो गई। कॉफी कैसा हो? कॉफी अच्छा हुआ। अरे कौन सा कॉफी में मैंने शुगर दी? मैंने नहीं, ये शुगर नहीं, ये शुगर नहीं है। देखा मैंने कैसे पहचान लिया। मैंने कैसे कॉफी अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। यही हम लोगों का सोफा कम बेड है। ये जो सोफा है ये कम बेड है, सोफा कम बेड है, तो दोपहर को निखिल इधर नहीं सोया था। और मैं क्या करूं, तुम क्लासेस ले रही हो, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं सो गया हलियम और गाना सुनते सुनते मैं सो गया। मैं दोपहर को सोती किधर हूँ जी, थोड़ा सा पूरा दिन ही बिजी रहते हो। वो घर का काम, फिर ये ब्लॉगिंग, फिर क्लासेस, फिर बच्चे को पढ़ाना, ये सब तो तुम्हारा चलते ही रहते। हर चीज में मजा करना सीखो तो जिंदगी में मजा आ जाएगा। जिंदगी जीने का नाम है। हाँ, जियो जैसे भी को जियो, जैसे भी ऐसे ही जियो। मैंने तो पहली बार ही बोला था, लाइफ को किसने देखा, कुछ दिनों का ही तो है जिंदगी है, तो इसको बस थोड़ा सा अच्छी तरह से जीना, जो भी है जैसा भी है लाइफ को एंजॉय करके जीना चाहिए। किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास वो नहीं है, किसी के पास वो नहीं है, लेकिन वो सब मत सोचना चाहिए। हमें जिसको जो दिया दिया, जिसको नहीं दिया नहीं दिया, उसको लेके खुश रहो, मुझे तो लगता है। कॉफी भी कंप्लीट हो गया, अभी भी नहीं तो खुद जाके पियो, मैं और कुछ नहीं करूँगी। तो अभी आज के लिए इतना ही है। मेरे चैनल को आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और क्या बोलूँ, फिर मिलूँगी। और खुश रहिए और हेल्दी रहिए, जो भी है जो जिसके पास जो है वही को उसी को लेकर खुश रहिए। और क्या बोलूँ, लाइफ का वही सबसे इम्पोर्टेंट वो है, काल को किसने देखा है, तो जो भी है इसको लेके खुश रहिए। इसी तो बहुत 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 बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन मैं जो करती हूँ इसके लिए मैं सबको ही बोला, तो और कुछ नहीं बोलूंगी, ज्यादा बोलूंगी तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा इधर ही खत्म कर दूं। टाटा बाय, सी यू सी यू।